बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का जो व्लॉग है ये बड़ा ही स्पेशल होगा आप लोगों के लिए, स्पेशली जो यूरोप में रहते हैं और ख़ास करके जो इटली में रहते हैं। बाज़ का तो हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि हम अपना काम शुरू कर सकें। कुछ ऐसे हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यूरोप में कहीं भी हों, मेरे ख्याल में तकरीबन सबकी जो इस टाइम जो परेशानी है जॉब्स के बारे में, अपना कारोबार करने के बारे में, वो तकरीबन सेम ही। मैं भी एज ए ओवरसीज़ एक ये चीज़ मेरे जहन में भी बहुत ज़्यादा थी कि यहाँ पे अपना कारोबार कौन सा होना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, या ऐसे होता है कि जिसमें हम ये सोचें कि किस में अच्छा कम हो और बचत ज़्यादा हो। इस तरह के बेशुमार होते हैं। बाज़ का हमें कुछ सही तरह मालूमात देने वाला कोई नहीं होता, या जो कुछ हमारे रिक्वेस्ट की इन्होंने बड़ा अच्छा, मैंने इनका सेटअप देखा तो बड़ा अच्छा मुझे लगा। मैंने कहा चलिए आप अगर मुनासिब समझें तो हमें इसके बारे में आप थोड़ी सी हमें मालूमात दें, हमारे जो नाज़रीन देखने वाले होंगे, जो हमारे भाई देखने वाले होंगे जो चाहते हैं कि हम काम शुरू करें तो उनके लिए कुछ। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं, मैं ये ज़रूर करूँगा अपने भाइयों के लिए। तो आए फिर इनसे अपना साकिब नाम है इनका, तो बाकी बातें इनसे शुरू करते हैं। तो बड़ी मेहरबानी साकिब भाई आपका, आपने हमारे लिए टाइम सारे जी ते देखने वाले तो भाई जान आए असं दो भाई कट्ठे ही सजे तो इस करके तो असा भी मेहनत बथेरी की सजे पहला काम लगे रहे पाकिस्तानी भाइयों को उत्थे नहीं पूरा सर्कल छड़िया के तनखा काम से फिर इटालियन फैक्ट्रिया गए हैं जी, इटालियन फैक्ट्रिया के गए हैं जी, उत्थे भी काम किया। उत्थे भी जिस टाइम इतने होंगे यूरो कंत्रातो इन तरमीना तो के ताज जिंदगी का मालक नहीं कर सकता जिन्हों लाइफ टाइम कह लाइफ टाइम फैक्ट्रिया जिस तू थोड़ी नफरत हुई सी एक साल काम कराते सन जिसले कंत्रातो का टाइम आता ही ना इन तरमीना तो इतने फार एवर का तो उस टाइम आते हैं जी सॉरी साढ़े को कम घट है नवे बंद कढ के अगू अगू होर बंदा भी शिफ्ट कर बाद जो टाइम आ गया इतों का कानून है कि भाई साल पूरा काम किए हो तो उस तो बाद कंत्रातो इन तरमीना तो हूँ करना होंगे ने तो वह जो टाइम आया दो फैक्ट्रिया ने किया इतने थोड़ी को रिस्पैक्ट जी है ना बोलन की तमीज़ यूरोप वाली जी कंट्री है इन्होंने थोड़ी घट है इन्हना नहीं वेखना निका वा इन्हें ना बनाना तो साड़ी एज माशाला इस टाइम वेखना की करना की नहीं उन्हें ये मजदूर है अस्ता नेरी सब तो वही गैर मुल्की है जी रिस्क लिया है रिस्क ही होंगे कोई भी कारोबार बिजनेस करिए ना रिस्क ही होंगे 100% चलना नहीं होंगे कि मैं हम कोई भी कारोबार करा 100% चलना नहीं ये रिस्क है फेल भी हो सकता ते कामयाब भी हो सकता असां ते लिया सी रब दा नाम लेके ते अपना काम शुरू इलाज कीता सी इलाज कीता ते इत्थों ही फिर पैसे कमाए हन जेड़े कोई यहां पाकिस्तान ने जे मंगवाए पिछलियां नु आखी दही कर लो पैसे तो उन्होंने खलो जा कट्टा तैयार हुंदा बेच के करने जे तो पाकिस्तान वाले एक करी कल भी बैन ना गलती ना कोई 50,000 लाख रुपया किसी ने 10 साल हाँ तो 10 साल उस बंदे दे सिर तू कर्जा नहीं लेंदा भावें रोज असां ते इत्थों ही कमाया जे एक भाई मेरा नाल सैडल काम करदे सन उत्थों शिफ्ट हो गए ते बाकी फिर इस तों इत्थों ही कमाए ने पैसे ते एडा मुश्किल नहीं ते हुंदा रिस्क जे ले लो ओ तो कोई भी के, मतलब तुसी कोई आई लेबिया तो भी आए हैं जी डेंकी ला के आए हां या तर गए ते हाथ करे पे देखो जी मजदूरी जेड़ी है वो एक होर चीज है ओदे च आ जांदी है घट बंदे दी वैल्यू घट हुंदी है मजदूरी 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 हुंदी है ते इस वास्ते ओ जिंदे जिन्ना टैक्स पे करना तुहाडे किन्ने घंटे भरने की हिसाब उस हिसाब दा पलके तुहानू पैणी मतलब बस हुण किसे पाकिस्तानी को काम करदे हुण कितने साडे भरा ने जिहड़े बड़े टाइम नाल पाकिस्तानियों नाल काम करदे ने ठीक है इवन के मैं भी ओदे विच शामिल हां मैं भी कितने ओदे विच ए भाजी ओ भी माड़े नहीं है ना ओदे विच वजह ए वे उस टाइम सानू कोई बंदा इटालियन मूंह नहीं लांदा सानू जुबान भी नहीं पता भी नहीं सी सानू किसे चीज दा इल्म नहीं हुंदा उत्थे ए समझ लो तुहाडा रोटी पानी जेब खर्च निकल आउंदी है रुपया 500-600 पाकिस्तानी भरा देंगे 700 देंगे कोई 800 किसी भाई पुजता हो जिन्ना दे छ काम का कोई नहीं देता हिस्सा जाके ना काम की बुनियाद ना सू पैसे देंगे वो नहीं वो सिर्फ एक लगी फुपी देंगे वो नाल उन्हें देनी होंगी सारे पाकिस्तानी जरब पाकिस्तान के पैसों कि मैं तेन अज भाई 1.5 लाख रुपया पूरे यूरोप का जो पहला स्कूल है ना वो इटली है इतों हर बंदा सीख जाता है तो इतों जो सही मार खा लेंदा कामयाबी हो जाता है
ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਈ ਯੂਰਪ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਚਤ ਦੀ ਇਜ਼ੀਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਹੀ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਉਧਰ ਪਰਚੀ ਕਰੋਗੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਪਰਚੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਮਾਰਨੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਕਾਇਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਤੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਫਤੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰ ਲੱਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਪੀ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਕੋਈ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਯੋਰ ਨਾ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਾਰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਨਾਲ ਡੈਡੀ ਜਾਨ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਕੜੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ पूरी सारी गल नचोड़ कड़ी जिंदगी का नचोड़ कड़ी अच्छी कंपनी हो ठीक है ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਰੇਸੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ 2-in-1 ਨੇ ਕਬਾਬ ਐਂਡ ਬਾਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵਾਹਦ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਫੇ ਪੀਣਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂ ਪੂਰਾ ਆਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪੀਜ਼ਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੇ ਤੇ ਜਿਨੇ ਡੋਨਰ ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਨਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪੀਜ਼ੇ ਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਹਰਾ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੀਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਡੋਨਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਫੇ ਵੀ ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 90 ਕੁਆਡਰੋ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਇਟਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਮੀਟਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚਲੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ
दुकान तैयार करनी है जी हो गया महीने बाद मालिक गल कर दुकान नवी तैयार करनी है एक महीना या डेढ़ महीना चाबी दे दियो उस तो बाद किराया शुरू करांगे चल जाता मालक चंगा हो महीना छड़ के तू एक महीना बाद भी ना देवी माड़ा मालक हो नहीं मैं नहीं एक जो चाबी लवोगे बिलकुल यार जिदन कॉन्ट्रैक्ट फड़ लो मेरे को एडवांस लेंदे ने एक चलता हों समान आगे साइन छड़ के अंदर फिटिंग भी आप ही करके जाते हैं बेच कहीं जड़े ने सैटिंग भी आप ही करके जानी है असा सिर्फ इतने अपनी सफाई करनी है तो काम करना है बस और कोई नहीं और कारोबार शुरू कर लो फिर हर बंदा ही थोड़ा सज्जन है दो से छः महीने बाद उस तो पहले तो सैटिंग वाली लत्त पानी ही फड़ा कोई गोश्त वेचता भी है पे या कोई चीज़ा पे वेचद पहला पहला कोई नहीं पहला पहला सारे बंदे आते हैं पहला पैसे दो बाद समान लो दो चार साल पांच साल दस साल जी रेगुलर चले जी पुरानी चीज लैनी कोई पता नहीं कोई पता नहीं है वह बेशक महीना चले दो चले इंश्योरेंस कराई अगर तुम उसका तो लेंगे हो तो उसका कितना खर्चा हो शैतानी काम शराब का डिप्लोमा लैदा ही होंगे हर चीज अच्छा डिप्लोमा जिस तरह डिप्लोमे मुल भी लग जाते जो 16 घंटे का एक होंगे एक 24 घंटे का एक 12 घंटे का होंगे इकट्ठा घंटे का भी होंगे बड़ी मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया तुहाड़ा भी भाई बहुत शुक्रिया जी बड़ी तफसील तुसी मालूमात दिती है बड़ी तफसील बड़ी बारीकी नाल मेरे ख्याल च मैं नहीं इतनी कोई किसी ने दसी हो साडा इतना खर्चा आ जाता है तो एक जितना आ जाता है तो बड़ी मेहरबानी तुहाड़ी बहुत शुक्रिया जी उम्मीद है जी आपको ये व्लॉग बड़ा पसंद आया होगा बड़ी तफसील के साथ भाई ने हमारी रहनुमाई की है मेरे ख्याल में कोई चीज़ जो मेरे जहन में थी पूछने वाली उससे ज़्यादा उन्होंने बल्कि उन्होंने मुझे इस चीज़ पे कहा कि आप ये चीज़ें भी पूछें ये भी अगले लोगों को बताएं उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको बड़ी मालूमात मिली होंगी तो अगर कुछ चीज़ें आपके जहन में हैं जो मैंने नहीं पूछी या अगर पूछनी चाहिए या किसी और कारोबार के बारे में आप मालूमात चाहते हैं तो आप ज़रूर अपनी राय का इजहार करें कमेंट्स बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहेगा और अगर आपको ये पसंद आया है या अगर आप समझते हैं कि ये बहुत बेहतर है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें आज के लिए इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़।